नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। मैं हूं आपके साथ मंजू रुधियाल। बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की तरफ। न्याय के लिए दर दर भटक रहा युवक पहुंचा पुलिस अधीक्षक कार्यालय। विगत दिनों पहले हुई नाबालिग पुत्री की हत्या की कार्रवाई ना होने एवं पुलिस और ग्रामीण प्रधान द्वारा सुलह के दबाव के संबंध में युवक पहुंचा पुलिस अधीक्षक कार्यालय, लगाई न्याय की गुहार। आपको बताते चले कि पूरा मामला चक्रेही थाना कमासीन का है, जहां नाबालिग पुत्री रीना को गांव का ददौला पुत्र महेश कोरी काफी लंबे समय से बुरी नीयत से छेड़खानी करता एवं परेशान करता चला आ रहा था। दिनांक 22 जून को सुबह 6 बजे जब वो खेत गई तो वहीं ददौला ने जबरदस्ती उसे पकड़कर छेड़खानी किया एवं बलात्कार का प्रयास किया। रीना के चीखने चिल्लाने से परिजनों के पहुंचने पर उसे छोड़ा गया, जिसकी सूचना पीड़ित ने थाना कमासीन में उसी दिन दे दी थी, परंतु तत्कालीन थाना अध्यक्ष ने ददौला से मिलकर कोई कार्रवाई नहीं की। तब पीड़ित पिता ने पुलिस अधीक्षक को घटना से अवगत कराया था तथा पंजीकृत डाक से प्रार्थना पत्र भी मुख्यमंत्री, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, जिला अधिकारी एवं क्षेत्र अधिकारी को देकर कानूनी कार्रवाई एवं जान माल की सुरक्षा की प्रार्थना की थी, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बांदा से आशा देवी की रिपोर्ट। थाना कौन सा लगता है? कमासी। मामला क्या है? लड़की वाला। क्या हुआ लड़की के साथ? लड़की के साथ जो पहले बलात्कार, पहले छेड़खानी किया है, फिर इसके बाद FIR कमासी में दिए, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर बाद में यहाँ भागते थे, इसे हमको जानकारी मिलते रहे, वैसे भागते दौड़ते रहे। वो ज्ञान प्रदान के अलावा उन्होंने पैसे लगा के उनको बचा लिया, बचा के उसको फिर बाद में धीरवनी देता रहा कि मैं करके दिखाऊंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। फिर दो तीन चार महीने बाद मेरी बेटी की लड़की की जान ले लिया। लड़की की जान ले ली? किसने ले ली? ददौला। क्या? ददौला। कौन है ददौला, कहाँ का है? चक्रेही का। थाना कौन सा लगता है वहाँ पे? कमासी। क्या कारण था कि लड़की को उसने जान ले ली? उसको मिलता था, उससे जबरदस्ती बकलवाता था, उसे मारने की धमकी देता था, मौका पाके उसकी जान ले ली। क्यों मारने की धमकी देता था, कारण क्या था? वो ये कह रहा था कि मुझको खाली मुझे फंसाया, छेड़खानी में। क्या मामला सही था उसने? हाँ जी, मैं अपने आंखों से देखा हुआ। अच्छा, आपने अपने आंखों से देखा कि आपकी लड़की के साथ छेड़खानी हुई? हाँ जी। तो क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई की है? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। आप तो अभी तक किस कौन कौन से थाने में गए थे? मैंने कमासिन गए, बबेरू आए, बबेरू में CO के पास बयान लिए, CO साहब फिर बाद में भेजे कि जाके कमासीन जारी है, मैं यहाँ से फ़ोन कर रहा हूँ कि इसके खिलाफ़ मुकदमा दायर कर दे, फिर भी इधर होगा मुकदमा दायर नहीं किया। तो क्या आरोपी अभी फरार है क्या? हाँ, अभी फरार, अभी जब लड़की ख़त्म हो गई जब उसको पकड़ के जेल में डाल दिए। पकड़ लिया गया आरोपी? हाँ जी। अभी आप क्या किस बात को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए थे? हम ये कह रहे हैं कि जो उसके बचाए हैं, उसके प्रधान अज्ञान के खिलाफ तो वहीं बचाए हैं, वो पहले मुकदमा दायर हो जाता तो मेरी लड़की की जान बच जाती। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमको इंसाफ चाहिए। किस तरह का इंसाफ चाहिए आपको? उनको जो तीन चार इसमें हैं लिखे हुए हैं, उनको बंद किया जाए, उनको पकड़े जाए, उनसे पूछताछ किया जाए कि ये बात कहाँ सत्य है कहाँ गलत है। अभी आप कह रहे थे कि जो आरोपी है उसको पकड़ लिया गया है। जो वो आरोपी है वो जो छेड़खानी किया तो पकड़ लिए गए, अभी एक लड़का दो तीन अभी बाकी है। हाँ जी, उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।